और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज़। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज मालकानगिरी जिला ब्लॉक तहसील तंडापल्ली ग्राम पंचायत के MV15 नंबर गांव में पीरामल फाउंडेशन नीति आयोग एवं इसी गांव के स्कूल के विद्यार्थियों शिक्षक शिक्षिकाओं के मिलित प्रयास से शुद्ध जल व्यवहार करने के लिए सचेतन रैली निकाली गई थी। यह रैली MV15 नंबर की दोनों विद्यालयों से निकाल कर गाँव की हर गली मोहल्ले में नारा लगाते हुए लोगों को सचेतन करने के लिए वार्ता दिया गया है। लोगों को पानी उबाल कर फिटकरी डालकर ही शुद्ध पानी कर पीने को कहा गया है, या तो घर में फिल्टर लगाकर उसका पानी पिए, अन्यथा कुछ लोग प्योरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर ग्लीन 20 रुपए खरीद कर पीते हैं, ऐसे ही पानी पीने के लिए कहा गया है। इस गांव के पानी में ज्यादा आयरन होने की वजह से काफी लोगों की किडनी रोगों से पीड़ित होने की वजह से इस प्रकार NGO ने सचेतन रैली निकाल कर लोगों को सूचित किया। ओडिशा मालकानगिरी MV15 नंबर गाँव से आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल, उड़ीसा हेड। इस समय हम पहुंचे थे मालकानगिरी जिला, मालकानगिरी ब्लॉक, मालकानगिरी तहसील के अंतर्गत तंडापल्ली ग्राम पंचायत के MV15 नंबर गांव में। यहां पे पीरामल फाउंडेशन नीति आयोग के जो तरफ से यहां पे जो शुद्ध पानी व्यवहार करने के लिए जो सचेतन रैली निकाली है, यहाँ पे जो पीरामल फाउंडेशन NGO की तरफ से जो सर मौजूद है, आइए उनसे रूबरू होते। सर जरा बताइएगा, ये जो आपने रैली निकाली है जो स्कूल के बच्चे को लेकर सचेतन करने के लिए, तो क्या 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 उद्देश्य है इसके बारे में सर आप करा रहे हैं? यस सर, तो मैंने यहाँ पर ये रैली इसीलिए निकाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर लगभग 15 दिनों तक पहले ग्राउंड का ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद यहाँ पर पाया मैंने कि यहाँ जो ग्राउंड वाटर है उसके अंतर्गत आयरन कंटेंट पाया गया है, तो इसको किस तरह से लोग व्यवहार करेंगे ताकि उनको जो स्वास्थ्य है संबंधित प्रॉब्लम है वो ना हो, क्योंकि मैंने इस गांव में देखा अधिकांश लोगों को किडनी प्रॉब्लम है, जो कि जो पानी को व्यवहार करते हैं पीने में उसमें काफ़ी ज़्यादा आयरन कंटेंट होने के कारण उनको किडनी स्टोन हो रहा है, तो इससे कैसे निजात पाया जाए। दूसरा नंबर है कि जो यहाँ का वर्षा का जल है, यदि उनका ये लोग संरक्षण करेंगे तो इससे कृषि व्यवस्था में भी उनके लिए उपयोगी होगा, साथ ही जो ग्राउंड लेवल जो क्वांटिटी है उसमें भी वृद्धि होगी, जिसके कारण कि आज पानी जो 200-300 फुट पर मिल रही है, यदि इस तरह से नहीं किया गया तो आने वाले समय में लगभग 400-500 मीटर सॉरी फुट नीचे जाकर पानी मिलेगा, जो कि यहाँ के लेकर एक बहुत बड़ी समस्या होगी, और ऐसे भी जलवायु परिवर्तन के कारण ये समस्याएं संपूर्ण भारतवर्ष में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो इसको लेकर हमें लगा कि एक जन सचेतन निकालना चाहिए, जैसे कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिसके लिए मैंने ये अभियान को चलाया हूँ। उम्मीद है इससे लोगों को अवेयरनेस मिलेगा, जागरूकता मिलेगी और लोग जल को लेकर सचेत हो सकेंगे, जल को शुद्ध जल को किस तरह व्यवहार करना है, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड में हो, पीने योग्य जल का फील्ड में हो या अनदर किसी भी सेक्टर में हो, जिससे कि उनका स्वास्थ्य और उनके आय इनकम में वृद्धि हो सके। थैंक यू सर। आपने बताया था कि जैसे गांव के लोगों को सचेतन करने के लिए आपने बताया कि जो कुछ लोग जो ये गैलन के पानी पी रहे हैं पैसे दे के खरीद के, इसके लिए सर आपको प्रशासन को कुछ वार्ता देना चाहते हैं? यस सर, यदि यहाँ पर क्या है ना कि कुछ जगहों पर जो ग्राउंड वाटर है उसे शुद्धिकरण करके बिक्री किया जाता है, जिसके लिए उसको प्राइस 20 रुपीज़ है, फिर भी मैंने लोगों से बात किया कि आप लोग उस पानी का व्यवहार क्यों नहीं करते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि मेरे यहाँ इनकम इतना अधिक नहीं है जिसके कारण मैं इस पानी का व्यवहार कर सकूं, यदि इसका प्राइस कुछ कम हो जाए तो मैं शायद उस पर पानी का व्यवहार कर सकूं, तो यदि इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट भी सपोर्ट कर पाए कि लोगों को जो 20 रुपीज़ पानी का प्राइस पड़ रहा है उसे यदि कुछ कम दाम पर दिया जाए, उदाहरण स्वरूप यदि 10 रुपीज़ पर दिया जाए, तो जो लोग इस पानी को व्यवहार नहीं कर रहे यदि वो भी करेंगे तो उनके जीवन और लाइफ में काफ़ी वृद्धि होगी। हाँ, ये सुने थे जो NGO पीरामल फाउंडेशन के जो महावीर साहब है उनके जुबानी, इन्होंने भी बताया गांव को किस प्रकार जो 15 दिन ये जो MV15 नंबर गांव में रहते हुए पूरा घर घर का डाटा लिया इन्होंने, यहाँ पे पानी जो विशुद्ध मतलब दूषित पानी है, यहाँ शुद्ध पानी बिल्कुल नहीं है, दूषित पानी होने के कारण इन्होंने सचेतन किया है कि जो घर में जो पानी को उबाल के उसमें जो मतलब फिटकरी वगैरह डाल के उसके जो शुद्धिकरण करके उसके बाद पानी पीने के लिए इनके तरफ से सचेतन किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो कुछ लोग यहाँ पे जो गैलन के पानी पी रहा है, जो मतलब प्यूरिफाइड पानी है 20 रुपये पर गैलन के हिसाब से, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग हैं जो बीड़ी बांध के अपने पेट पालते हैं, अपने परिवार के लालन पालन करते, उनके जो मद्देनज़र इन्होंने प्रशासन से भी
कुछ आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी प्रशासन इनके प्रति ध्यान दे और जो है यहाँ पे इस गांव में जहाँ किडनी जहाँ इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो इनके लिए जो कम से कम पानी जो 20 रुपए में गैलन दी जा रही है 10 रुपए करने के लिए इनके तरफ से यह मांग भी उठ रहे हैं। तो अभी देखने को बाकी है जो किस प्रकार जो गांव-गांव में घूम के पूरे गांव में देखिए किस प्रकार सचेतन किया जा रहा है। एमबी 15 नंबर गांव बहुत ही बड़ा गांव है। हर पूरे गांव में पहले से ही कई बार सूचना मिली थी किडनी के ज़्यादा रोगी इस गांव में है, तो इस वजह से इन्होंने सचेतन भी किया था। तो जो स्पॉन्सर्ड बाय पीरामल फाउंडेशन नीति आयोग के तरफ से इन्होंने आप देख सकते हैं जो इनके तरफ से पूरे गांव में जो घूम घूम के बच्चे के स्कूल के बच्चे के साथ सचेतन करा रहे हैं, लोगों को घर घर में जाके लोगों को सचेतन करा रहे हैं। और किस प्रकार जो इन्होंने आग्रह भी सरकार से किया है कि जल्दी से जल्दी इनके जो गाँव के प्रति ध्यान दे प्रशासन। मोना शिवाजी जना मो स्कूल ये 15 नंबर ग्राम स्कूल 6 वर्ष होगा शिक्षकता करी गाँव जहाँ प्रोब्लेम कथा भी जानपर पानी प्रोब्लेम शुद्ध पा मिलूना कारण शुद्ध पानी रे जो जिनस आमर रही कथा से जिनस ना इतने आईरन अंश टे बेस अच्छी आईरन जो आईरन स्फटिक रूप धारण कर पानी उपर गोटे लेयार पड़ जाऊँ दुई तीन दिन रखला से पुणी धीरे धीरे बसी नीचे गोटे बहला आस्तरण धरू जहाँ फिर कंसा बासन कि बाल्टी जहाँ से छाड़ूना ता सहित लोक मान देह से किडनी प्रोब्लेम धरू जहाँ कि प्रति वर्ष 8-10 जन मृत्युवरण भी होडनी जो जहाँ फिर एत समस्या जो आम स्कूल पिला भी गोटे कार्यक्रम कर सुध जल व्यवहार आई कार्यक्रम अंशीदार आम मुख्य अंशीदार होती आम भाई जैकि आमर ये महावीर सार से भी यही फाउंडेशन जो पीरामल फाउंडेशन माने सदस्य से आमको जो बार्ता दे कहले से बार्ता प्रचार करने आम आम स्कूल वन क्लास रु 10 क्लास पर्यंत पिला गोटे आम प्रचार अभियान कराफल से शुद्ध जल किसी व्यवहार करें तापी फेटिकी गरम पा गरम करेटिकी मिसाई सेवन कले भी किसी छुटकारा मिल तेणु ता सहित आमर ये गाँव में भी मुझे देखुची पानी लेवल भी बहुत तौक खसी जाऊँगी कारण बहुत बोरींग अच्छी जहाँकि चाषपाई एग्रिकलचर पर लगे कि पीवा पा भी बहुत प्रोब्लेम होदि गोटे सरकार तरफ रू सोलार सिस्टम कराए तो भल हाँ कारण सोलार जो ही किसी लोक मैंने जो गरीब लोक मैंने पानी अभाव टे मैंने जो आर्थिक अनाटन घटू जहाँ कम भी खर्च हो जाता ता सहित गाँव में भी किसी मिलूँ बेपारी मु दशम श्रेणी छात्री मो स्कूल ना सरकारी उन्नत उच्च विद्यालय मु आज यही जल विषय किसी कह जल आमपाई के जरूरी आम समस्त जानू जो जल आमपाई के जरूरी जल ही आम जीवन आउ गाँ गहली बेसी जल पाई लोक मैंने जीवन हरती से जल पानी को आम फुटे पीवा उचित कारण जल रे बहुत आईरन थाए से जल को फुटे पीवा आउ से पानी फुटे न पीले आम बहुत रोग रे आक्रांत हो जल नष्ट करिबा नहीं वर्षा जल आम संरक्षण कर रखा जहाँफल आम बहुत उपकार आसब उच्च उच्च विद्यालय एम बी 15 नंबर मु आज जल विषय कह जल ही जीवन जे आमर आसंता काली जल एत आवश्यक जे आम मैंने ये छोट बलू पानी को ये नष्ट करवा ना जल आमको ये दरकार बड़ हेले आम समस्त को जल जल देवा मड़वा बेले जी जल न पाचे जल दे कि आम साय जल आम गाँ गहली बर्षा बेल जमी जल नष्ट सेमती नष्ट नक आम गोटे जगार संरक्षण रख रखा सब जल को आम संरक्षण कर रखा ममता राय
ছোট ছোট বাচ্চাদের কিডনি খারাপ হয়ে যায়, সবাই মেডিকেলে কেউ ভর্তি, কেউ চিকিৎসা করতে পারছে না কিছু না, কেউ অনেক অনেক লোক মরে গেছে কিডনি চিকিৎসা নিয়ে। জলের বেশি প্রবলেম, জল ভালো নাই, জল খেয়ে খেয়ে সব জল, ওই জলের জন্যই কিডনি খারাপ হয়ে যায়, সবাই এরকম অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। আমি একুনার নম্বরের মহিলা, আমার নাম কমলা রায়। আমাদের গ্রামে এই জলের খুব, জলের জন্যে খুব অসুবিধে হচ্ছে, এই স্কুলের বাচ্চা কাচ্চারা এদেরও খুব অসুবিধে হয়। তাহলে জলের ব্যবস্থা না করলে আমাদের এই বাচ্চা কাচ্চা খুব অসুবিধে হবে। আমাদের এই রোগ গরিব বুড়ো মানুষরা কী করে বাঁচছে? বাচ্চারা মিছিল করতেছে, স্কুলের বাচ্চারা সবাই মিলে, আমাদের স্যাররা মিলে, বাচ্চার সমস্ত বাচ্চারা মিলে মিছিল করতেছে এই জলের জন্য। এদের খুব অসুবিধা হয়, এর জন্য যাও কাটা ব্যবস্থা আপনারা করেন, নাই আমাদের এই গ্রাম গায়ের লোক মরে যাবে স্যার। এর একটা ব্যবস্থা আপনারা করেন, এই আপনাদের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি। উড়িষ্যা মালকানগিরি জেলা, মালকানগিরি ব্লক, মালকানগিরি তহসিল, তন্ডাপল্লি গ্রাম পঞ্চায়েত কে এমবি 15 নম্বর গাঁও সে উড়িষ্যা হেড গোবিন্দ মন্ডল কে রিপোর্ট, আজ তক 24 নিউজ। প্লিজ চ্যানেল কো লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব জরুর করে।